की शुरुआत करता हूँ, जब उसके बारे में बताऊंगा। किसी काम की कार्रवाई करने से पहले मैं, जी जिसका मैं भक्त हूँ, हाँ जी जिसको मैं अच्छा मानता हूँ जी वर्णों में, जी हाँ मंत्रों में, जी हाँ जी सबसे पहले मैं उसका स्टार्टिंग करता हूँ। जी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। जी आप बताइए। जी 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 अभी मैंने इसमें हास्य कोई चीज नहीं लगाई। अच्छी यार, हाँ, ठीक, अभी मैंने इसमें बस हास्य बुआई कोई में चीज, डाला आपने, फिर बुआई कुछ में नहीं? डाला, फिर जी उसके बाद में अच्छा, ब्याज व्याज के लिए कुछ नहीं डाला? कुछ नहीं डाला मैंने। जी जी और ब्याज तो ऑटोमेटिक होगा इसका। अच्छी यार, हाँ, जी जी बिगर फास्फोरस के ब्याज ही होने का। जी दुनिया में कोई ऐसा केमिकल नहीं जो ब्याज करवा दे। जी 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 जड़ों का विकास जब होगा तो ऑटोमेटिक ही ब्याज होगा। ऑटोमेटिक ब्याज होगा, हाँ, बिल्कुल सही तो बात है। वो साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल शिवा के फेसबुक पेज पर। तो भाइयों, आज अपने गांव में है अजीत ताऊ जी के चक पे, और भाइयों हमारे क्षेत्र में भी इतने टेक्निकल और इतने मेहनती, इस उम्र में जितनी मेहनत हमारे ताऊ जी कर रहे, और पिछले 3 वर्षों से ट्रेंच विधि से गन्ने की खेती कर रहे, छोटा ट्रैक्टर नहीं है, कोई पावर वीडर नहीं है, और भाइयों ना अपने खेतों की कोई नड़ाई करवाते, ना कोई खुदाई करते, फावड़े का काम बिल्कुल ख़त्म है। और गन्ना भी भाइयों अब की बार में हमारे ताऊ जी के पास में ऐसा हुआ कि दोराड़ा मील क्षेत्र लगता है अपना, उसमें नंबर 1 का गन्ना, मैंने वीडियो भी डाल ली थी परवेश भाई की, तो नंबर 1 का गन्ना पैदा करा। तो खेतों को देखो भाइयों, ट्रेंच विधि के कितने शानदार सफाई के खेत है। तो एक तो आज पूरा चक दिखाऊंगा मैं ताऊ जी का। पहली चर्चा होगी ट्रेंच विधि गन्ना खेती को लेकर 3 साल का ताऊ जी का क्या अनुभव है। आज से 3 वर्ष पहले मैंने ताऊ जी की एक वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोगों ने देखा भी था, ताऊ जी की बात भी बहुत अच्छी लगी थी, और काफ़ी सारे कमेंट भी आए थे कि ताऊ जी की वीडियो दूसरी लाओ, तो वीडियो नहीं आई किसी कारणवश। आज 3 वर्षों का ताऊ जी का ट्रेंच विधि का अनुभव, किस तरीके से ट्रेनिंग ले रहे, दवाई का किस तरीके से यूज करा जा रहा है, बाकी की अपनी गन्ने की खेती बहुत ही कम खर्च में, ये आप मशीन देख रहे, कितनी ओल्ड मॉडल बैटरी वाली मशीन ले रहे, इसी के दम पे सारी गन्ने की खेती, कोई ट्रैक्टर वाली मशीन नहीं है इनके पास में, ना कोई छोटा ट्रैक्टर है, बड़े ट्रैक्टर है हाँ, लेकिन इस खेती को ये पूर्णतः बिना नड़ाई, बिना खुदाई और बिना ट्रैक्टर के कर रहे। तो सबसे पहले मैं ताऊ जी से मिलवा दूँ एक बार। हाँ जी, राम राम ताऊ जी। राम राम जी राहुल भाई, राम राम जी। और ठीक हो आयुष्मान भवा? हाँ जी, बढ़िया ताऊ जी, बढ़िया आपके हो? अब यो क्या कार्रवाई चला रखी ताऊ जी? कार्रवाई अभी शुरुआत करता हूँ, जब उसके बारे में बताऊंगा। किसी काम की कार्रवाई करने से पहले मैं, जी जिसका मैं भक्त हूँ, हाँ जी, जिसको मैं अच्छा मानता हूँ जी वर्णों में, जी मंत्रों में, हाँ जी हाँ जी, सबसे पहले मैं उसका स्टार्टिंग करता हूँ। जी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। जी अब बताइए राहुल भाई, जी आज आपको कैसा मौका मिल गया इधर आने का? हाँ जी, मौका क्या था जी, मतलब बहुत सारी डिमांड भी थी, और एक आपका इतने वर्षों का अपना एक अनुभव ट्रेंच विधि में, ज्यादातर 2 सालों में जो किसान आए वे फेल हो गए था जी। जी 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 और फेल किस लिए हुए कि जो इनमें वो घास पड़ जा जी, और वे बेड की जुताई कर दे और इसमें ब्यांत होता नहीं, गन्ना रह जा सीधा, और वे कह रहे ट्रेंच विधि फेल। जी जी तो सबसे पहली तो मैं आपसे पूछूंगा, आप खेतों की नड़ाई नहीं करवाते, कोई खुदाई नहीं करवाते, और खेत आपके सारे के सारे इसी तरीके के साफ पड़े, तो इसके लिए ताऊ जी किस तरीके से आप काम करो जी? देखो राहुल भाई, मैं ट्रेंच का गन्ना 3 साल से लगा रहा हूँ। जी 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 और मेरी इतनी मन पसंद आया यो जी कि शायद काश यो मुझे पहले दिमाग हो जाता तो अब से 20 साल पहले लगाता मैं। अच्छा, 20 साल पहले लगाते? हाँ जी। इतनी संतुष्टि? इतनी संतुष्टि है, इसमें आनंद ही आनंद है जी। और बात रही दूसरी है कि मेरे पास कोई साधन नहीं है, छोटा ट्रैक्टर नहीं है जी जी जी, कोई पावर वीडर नहीं है। हाँ जी हाँ जी, केवल मेरे पास जो टंकी है 20 लीटर की। हाँ, जो टंकी ले रहे जी, बस। और कोई मेरे पास यंत्र नहीं है जी, और यो भी कोई 2500-3000 के लगभग आ जा। हाँ जी हाँ जी, यो मेरा यंत्र है जी, और मैं इस यंत्र के द्वारा जी गन्ने में घास का प्रबंध करता हूँ। हाँ जी, कुछ घास तो मैं पोस्ट इमरजेंसी लगाता हूँ जी, कुछ घास मैं फिर इमरजेंसी लगाता हूँ। अच्छा अच्छा तो ये जो क्या नाम जी,
हर्बिसाइड हैं, हाँ जी हाँ जी, उनका मैं कंट्रोल के हिसाब से कार्य करता हूँ कि कौन सा हर्बिसाइड कहाँ काम करेगा, कहाँ काम करेगा, ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी। और दवाई भी मैं बहुत कम मात्रा में लगाता हूँ, जिससे कि केवल खरपतवार पे ही डले, हाँ जी, एक्स्ट्रा कहीं भी दवाई ना पड़े। अब आप देख रहे हैं इसे, हाँ बिल्कुल, ये 0% में मशीन चल रही है, हाँ 0% में, बिल्कुल ना कोई आवाज ना कुछ। हाँ जी हाँ जी। और जैसे चने कुटते हैं ना ओखली में, हाँ हाँ हाँ, मैं ऐसे इस घास पे दवाई को कूट रहा हूँ। अच्छा, दवाई को कूट रहे? हाँ, इसके अंदर। हाँ जी, ये छिटक नहीं रहे, कूट रहे, मैं कूट रहा हूँ दवाई को इसके अंदर। जी जी जी। अब जब दवाई इसके अंदर कूट रही है, हाँ जी हाँ जी, तो ये बचेगा नहीं। हाँ, बचेगा नहीं बिल्कुल। और मैं वैसे ही भागा भाग, हाँ, इसके ऊपर मार हो जाऊँ जी, तो ये बच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है नी जी। तो मारने की भी क्रिया हो, हाँ क्रिया हो बिल्कुल, वैसी थोड़ी अनाफ ना मंडे रहो। अच्छा, गन्ने पे नहीं जा रही बिल्कुल, कैसे भी गन्ने पे सवाल ही नहीं, जमीन पे नहीं ज्यादा जा रही, नहीं जावेगी। हाँ जी हाँ जी। जब इसका जी फुहरा बहुत, देखो कितना सिलो चल रहा। हाँ बिल्कुल, देखो देखो सिलो चल रहा बहुत। हाँ, तो इसके छेद बंद कर रखे जी आपने? मैंने छेद बंद करके जितना मुझे इससे काम लेना, अच्छा अच्छा, उतने छेद मैंने खोल रखे इसके। हाँ हाँ, ठीक, फालतू छेद क्यों खोल लूं मैं काम? हाँ बिल्कुल, यही टंकी मुझे लगा कई खूड करेगी, यही टंकी कई खूड कर देगी, और फालतू दवाई क्यों फेंकू मैं? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर छेद सारे खोल लूंगा जी जी जी, तो ये फालतू दवाई फेंकेगी और यो जमीन में खराब करेगी, और वो जमीन में यो बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देगी। जी जी जी, लेकिन मैं ज्यादातर दवाई जो यूज करता हूँ, हाँ जी हाँ जी, वो कॉन्टेक्ट करता हूँ, सिस्टेमेटिक नहीं करता हूँ। अच्छा अच्छा, हर्बिसाइड में? हर्बिसाइड में जी जी जी, जिससे कि बस यो, हाँ जी, ऊपर से, हाँ जी, क्लोरोफिल बनाना बंद कर दे, हाँ जी, और यो कुछ दिन के टाइम रुक जाएगा, कुछ डैमेज भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस वजह से मैं यो ऐसी दवाई का यूज करता हूँ, और धीरे धीरे आराम से दवाई करता हूँ, कोई भी खतरवार को छोड़ता नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मेरा यो तो है। इसकी नाड़ से तो वैसे तोड़ दो। हाँ मतलब कूट दूंगा मैं इसे, हाँ ऐसा कूट। अच्छा, डंडी मजबूत? बड़ा अच्छा सवाल कर दिया राहुल भाई जी जी। हाँ अच्छा, अब एक चीज बताओ आप। हाँ जी। यो कौन सा स्प्रे आपका, मतलब ये इसमें पहले भी कराया आप, यो शुरुआत है? ये जो है पहले मैंने जब गन्ना बोया था, हाँ जी, तो इसमें पोस्ट इमरजेंसी जी हर्बिसाइड का यूज करा था, पैर वो क्या नाम जी, पेंडामेथिलीन का। अच्छा अच्छा, पेंडामेथिलीन का। हाँ जी, तो पेंडामेथिलीन जो है ज्यादा लंबे समय तक तो खरपतवार को नहीं रोक सकती, हाँ जी, लेकिन काफी रोक देगी, काफी समय तक भी रोक देगी। जी जी जी, ठीक है नी। अच्छा, उसके थोड़ी सी डोज और बता दो कितनी हुआ पेंडामेथिलीन की? हाँ जी हाँ जी। देखो वो 1 लीटर 5 बीघे में लगे है। अच्छा अच्छा, ठीक है नी। समय कौन सा होगा सही करने का? लेकिन जो है उसका पोस्ट है वो तो 24 घंटे में हो जानी चाहिए, गन्ना बोने के बाद। गन्ना बोने के बाद तुरंत कर दो। अगर 24 घंटे में हो जाएगी तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहाँ नमी है। जी जी जी। उसकी वाटर मतलब नमी के द्वारा वाटर जो लग रहा हुआ है खेत में, हाँ जी हाँ जी, वो जो है उस पर लेयर चढ़ा देगा बढ़िया। अच्छा, लेयर चढ़ा देगा। हाँ ठीक ठीक, तो कोई भी खरपतवार तो पहली प्रक्रिया तो निकट के नहीं आएगा। हाँ, पहली प्रक्रिया वो होगी, पहली प्रक्रिया वो होगी। ठीक है जी। अब ये दूसरा स्प्रे आपका? अब दूसरा स्प्रे मेरा, हाँ ठीक, जो सबसे सस्ता केमिकल आ गया जी, पैराक्वाट। पैराक्वाट ठीक है, उसे लगा रहा हूँ अब। अच्छा, पैराक्वाट सिंगल? सिंगल ठीक है जी। इसमें बस थोड़ा स्टिकर है। अच्छा, स्टिकर लगा लिया 5 ml एक टंकी में। जी जी जी, और ज्यादा नहीं है। और देखो अब आप देख लो कि पहले पेंडामेथिलीन ने कितना रोक रखा, और अब ये कितना सा जमा, थोड़ी जमा, यो कितना सा जमा, और अब मैं इसे कैसे डैमेज कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, यो तो, तरीका है, यो राज है। हाँ, यो राज है इसका। सारे खेतों में आप इसी तरीके से काम? सारे खेतों में मैं इसी तरीके से कार्य करता हूँ। जी जी जी। अच्छा ताऊ जी, इसमें तो बात दूसरी है। हाँ जी, कि गन्ना तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा जब यो खतपतवार नहीं रहने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि यो इसके आइटम को, इसके भोजन को जी 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 30% खा जाएगा। हाँ बिल्कुल, जब 30% भोजन खा गया यो, हाँ जी, तो गन्ने को 70 मिल रहा। बिल्कुल बिल्कुल, अब वो 70 में नहीं चल रहा बढ़िया होके। हाँ जी हाँ जी, उसे 100 का 100 मिला तो बढ़िया बात है। बिल्कुल, मेरी जेब से पैसा भी गया उसमें। हाँ जी हाँ जी, तो उस पैसे का भी उपयोग होना चाहिए, फर्टिलाइजर का भी उपयोग होना चाहिए। तो राहुल भाई ये है जी पेंडा, यो जब आप दवाई बता रहे जी जी, यो तो जो आप 5 बीघे की लगा लाए जी, तो इसे तो आप मतलब 10 बीघे में कर सको इस तरीके से। हाँ, ट्रेंच में, हाँ जी, उसका जो वो सिस्टम है उसका, हाँ जी, जो बायोडाटा है उसका, जी जी जी, वो 10 बीघे मतलब 5 बीघे का सिंगल में, मतलब जो है 30 इंची पे। जी जी जी। लेकिन ये ट्रेंच पे बुरा, हाँ जी, ये 60 पे 58 पे बुरा, तो इसे 10 बीघे में लगा सकते हैं। हाँ, 10 बीघे उसकी जो वो है
डोज जो है जी। एक टंकी में 70 ml है, एक टंकी में 70 ml। हाँ, अब वो कितना एरिया कवर करता है टंकी? हाँ, टंकी बिल्कुल बिल्कुल, वो एक करने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल, अखबारा खोल के चला रहे या इस तरीके से कर रहे? हाँ, मतलब जो है वो इस तरीके से कर रहा है या कैसे कर रहा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो गर्मी मान रहा है, क्या कर रहा है वो? बिल्कुल बिल्कुल, वो भागम भाग है, क्या है उसका? हाँ जी, तो मैं तो ना तो गर्मी मानता हूँ। जी जी जी, उम्र कितनी गर्मी हो रही है? 43 टेम्परेचर है उम्र के हिसाब से। हाँ जी, कितनी उम्र हो रही था जी? मेरी उम्र जो है लगभग 65 साल के लगभग हो रही है। 65 साल की जी? हाँ जी। और पूरे दिन मुझे लगा आप काम कर दो अभी? हाँ, अपना सुबह आ जाओ, जैसी बॉडी में इमल्टी है अभी इस टाइम पे। अच्छा अच्छा, वैसे मैं काम कार्य में हटता नहीं हूँ वैसे। हाँ बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि माइंड जब कार्य में लग जाएगा, हाँ जी, हाँ जी, अबाल सवाल से हट जाएगा, बिल्कुल, तो आदमी मंडा रहेगा, मंडा रहेगा फिर, ठीक है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और तो रही बात दूसरी, हाँ जी, मुझे किसी मजदूरी का हालत ही नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं भाई कल को करवा और मजदूरी मिलेगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं तो अपने सिस्टम से करता हूँ इसको। हाँ, कार्य को बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात दूसरी जी, अब आप इस गन्ने को देख रहे हैं, क्या ग्रोथ कर रहा, कितना कबाड़ है ये बताओ पहले तो। नहीं, ये तो बिल्कुल खत्म है। आप मेरे से ये पूछो, ये कबाड़ दवाई के कारण या किस कारण खत्म हो रहा है? हाँ, तो ये भी बताऊँ आपको। हाँ, मैं बताओ तो इसमें। अब मैं ये बता रहा हूँ कि इसका पानी देने का भी तरीका होता है। हाँ, बिल्कुल, केवल बिल्कुल। गन्ने की जड़ों के पास ही पानी चलना चाहिए अभी। जी, जी, बाकी का सूखा है, देख लो बच्चे के रूप में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब ये जब बड़ा हो जाएगा, हाँ जी, फिर इसकी जड़ों में पानी नहीं जाना चाहिए, फिर नहीं जाना चाहिए, फिर नहीं जाना चाहिए। गन्ना नु कह रहा, अगर तुमने मेरे पैर डुबो दिए तो मैं तुझे डुबो दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुझे डुबो दूंगा मैं। जी जी जी, गन्ना नु कह रहा, बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो इसे नमी चाहिए, नमी चाहिए बस। हाँ, थोड़ी सी हल्की सी नमी दी हो जाओ। जी जी जी, अभी आगे मेरी जो पेड़ी खड़ी है, हाँ जी, वहाँ सिस्टम ये है सब। मैं एक तो वो उसका जो वेस्ट है ना गन्ने का, पत्ती पत्ती वगैरह, हाँ जी, हाँ जी, उसे भी, हाँ जी, और इंगे तिंगे से पत्ते सत्ते सकेर के सब सब खेत में रखे, सब उसको यूज करता हूँ खेत में। जी जी जी, जिससे कि वो, हाँ जी, वहाँ ठंडक बना कर रखे, बिल्कुल, और जो मेरे बैक्टीरिया जीवाणु वे खुश रहे मैं नमी में, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे कि उनका ज्यादा प्रजनन होवे। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, और उनके लिए भोजन भी लगा देता हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जिससे कि वो और खुश रहे मैं। हाँ जी, तो ताऊ जी, जैसे आपने 60 इंची की चौड़ाई ली, जी 60 इंची ही इसमें अच्छी है या 48-42 किसान कर रहे? देखो बात ऐसी है जी, जितना छोटा कमरा होगा, हाँ जी, उसमें 3-4 आदमी को घसोड़ दे, एक को नींद नहीं आने की। हाँ बिल्कुल, उसमें जो है एक को नींद नहीं आने की। क्यों नहीं आने की जी? क्योंकि उसका क्षेत्रफल छोटा। हाँ, तो जितना गन्ने का कम से कम क्षेत्रफल बड़ा होगा चौड़ाई में, हाँ जी, 60 इंची पे ले जाओगे जी, एक तो आपका बीज कम लगेगा, फर्टिलाइजर भी कम लग रहे जी, और गन्ने को फल फूलने के लिए काफी जगह मिल रही, काफी जगह मिल रही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए जो है मैं ना तो 48 पे बोता, हाँ जी, ना 50 पे बोता मैं, जी जी, मैं तो पूरा 58-60 पे बोता हूँ। 58-60? हाँ। अच्छा, उससे अलग एक हो रहा था जी, बताइए। 58-60 पे जैसा आपने लगाया गन्ना जी, तो इसकी आपको बंधाई भी नहीं करवानी पड़ती, इसमें मिट्टी का भी मतलब तरीके से काम हो जाता? नहीं नहीं, इसमें फिर बंधाई तो मैं करवाता ही नहीं। जी जी, गन्ना खुला भी रहना चाहिए ट्रंच का। हाँ, देखो इसका जो गन्ने का वंजस है, इसका मैटर है, जी जी जी, वो नु कह रहा तू मुझे पशु मत ना मानना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक औषधि हूँ, औषधि, हाँ बिल्कुल, वनस्पति की औषधि। जी जी जी, तो तू मुझे खुला रखेगा तो मैं तुझे ज्यादा खुश रखूंगा। हाँ, पैदावार भी तेरी ज्यादा बढ़ा दूंगा खुला रहने में। जी जी जी, और मेरे में रोग भी कम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिस्पर्धा मेरे में कम होगी। जी, जब प्रतिस्पर्धा कम होगी तो मेरे में रोग भी बहुत कम लगेगा। जी जी जी, तो इसलिए मैं स्वस्थ रहूंगा, स्वस्थ रहूंगा, और तुझे भी घूमने फिरने के लिए मेरे अंदर, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं आने की। बिल्कुल बिल्कुल, तू नाराज नहीं होने का। जी, बंधने के बाद में तू भी नाराज हो जाएगा, मैं भी नाराज हो जाऊंगा। हाँ, नाराज हो जाएंगे, तुम तो नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो मजा नहीं आया। हाँ जी, हाँ जी, तो गन्ना तो मिट्टी चढ़ाने का मिट्टी चढ़ाने का हाँ जी, देखो मिट्टी चढ़ाने का तो प्रबंध मैं ज्यादातर कसले से कर देता हूँ। अच्छा, फावड़े से चढ़ा? हाँ, धीरे 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 धीरे, एक आधे किसी बंदे को आदमी को पकड़ लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, और मेरे वो दोनों मरे रहे। अच्छा अच्छा, तो ताऊ जी इनकी बेड़ों की जुताई नहीं करवा बिल्कुल भी? मैं बेड़ों की जुताई क्यों करूँगा? मैं करने का ही नहीं। जी जी, जब पावर वीडर नहीं, कुछ नहीं है, तो ना इस पर घास है, बिल्कुल, तो नहीं करने का ना मैं। जी जी जी, ज्यादा जुताई से मिट्टी की सेल्स टूट जाए। हाँ जी, हाँ जी, मिट्टी की सेल्स जो कण हो वे टूट जाए। जी जी जी, ज्यादातर मिट्टी को कणों में बांध कर रखना चाहिए हमें। बिल्कुल, एक तो वो लिंचिंग नहीं होने देने के किसी फर्टिलाइजर का। जी जी जी,
जब उसके कान बंधे रहेंगे जी, तो वो लिंचिंग नहीं होने देने के किसी भी फर्टिलाइजर का। जी जी जी। तो इसका यो बेनिफिट है, ज्यादा जुताई नहीं करनी चाहिए, जुताई वहाँ करनी चाहिए अगर खरपतवार है। हाँ जी, हाँ जी। मजबूरी है। हाँ जी। और जब मजबूरी नहीं तो फिर वहाँ जुताई नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं आता। जी जी। गन्ना नू कह रहा कि मुझे जुताई मत ना करा जा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी तो सफाई कर, सफाई कर, खरपतवार ना हो। हाँ बस, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे में खरपतवार ना हो। जी जी जी। और फिर मैं तुझे मजा मजा दूंगा। जी जी। हाँ। ताऊ जी, एक चीज और है, जैसे बात कर रहे गन्ने की, आप बुआई करो ट्रेंच विधि से। जी जी। 1/3 पोर्शन बोना चाहिए या फिर पूरा गन्ना बोना चाहिए? नहीं, वैसे तो मेरी नजरों में ये ट्रेंच की विधि में गहराई में गन्ना चला जा। हाँ जी। वहाँ मिट्टी के अंदर कार्बन कम हो गहराई में। जी। पावर कम है मिट्टी के अंदर गहराई में। हाँ जी। तो वहाँ थोड़ा सा 2-1 पेंडे नीचे के छोड़ के, जिसमें जो है चीनी की मात्रा ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। ग्लूकोज वाले गन्ने को ही जी बोना चाहिए, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, बगैर पानी के कोई चीज नहीं जमने की। जी जी। और जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो वो ज्यादा अच्छा जमेगा। तो हमें बीज पे भी पहले पानी देना चाहिए? हाँ, अच्छा, हमें पहले जब हम बीज की कटाई करने जा रहे हैं तो हमें 3-4 दिन पहले उसे पानी पिला देना चाहिए, जिससे कि वो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ जा, शुगर की मात्रा कम हो जा, चीनी की मात्रा कम हो जा। तो इस वजह से उसे हमें बेनिफिट ही मिलेगा, उसमें पानी हो गया ना अंदर। हाँ, बिल्कुल। तो पानी नमी के कारण ज्यादा गन्ना जमे है। जी। हाँ, अगर चीनी ज्यादा होगी तो नहीं जमने का। जी जी। तो आपको ताऊ जी, और एक और सिंचाई को लेकर सवाल कर लेगा। बताओ, गन्ने में ट्रेंच में जैसा पानी की खपत बिल्कुल कम है, जीरो है। हाँ जी। कितने दिन में सिंचाई किस हिसाब से किसान को करनी चाहिए? बस इसमें नमी बनी रहना चाहिए, 15 दिन में भी सिंचाई एक फेरी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नमी बनी रहे? हाँ, पेडी में। अच्छा अच्छा पौधे में तो तुम्हें जल्दी करनी पड़ेगी, 10-12 दिन में करनी पड़ेगी। 10-12 दिन में करनी पड़ेगी। क्योंकि गर्मी का मौसम रहेगा तो उसमें दिक्कत आएगी। हाँ, क्योंकि इसके ऊपर पौधे के ऊपर जो है कोई पत्ती नहीं है, कोई वेस्ट नहीं है इसके ऊपर। ये तो कोरा, बिल्कुल मिट्टी के ऊपर कोरा खड़ा। जी जी। तो यहाँ ज्यादा खरपतवार उगेगा जी, और जो है पानी भी ज्यादा मांगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि तापमान जब ज्यादा हो जा, हवाएं चले जी, तो जब यो पानी ज्यादा मांगेगा जी, और बिगर पानी के जो हमारा फास्फोरस पड़ा या पोटास पड़ा वो क्रिया नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी नमी में ही क्रिया करेगा। नमी में करेगा। हाँ। तो ताऊ जी, एक सवाल और रह गया, अब बताइए। बात है इसमें डोज की, आपके हिसाब से गन्ने में फर्टिलाइजर बुआई में कौन सा लगना चाहिए, शुरू के पानी पे कौन सा लगना चाहिए? देखो, बात ऐसी है जी, गन्ने की जड़ मजबूत होनी चाहिए। जी। गन्ने की जड़ मजबूत होनी चाहिए। जी जी। गन्ने की जड़ सबसे ज्यादा फास्फोरस और पोटास मजबूत करता है। अच्छा, फास्फोरस। हाँ, ठीक है। पोटास गन्ने को रोगों से लड़ने की ताकत देता है। जी। उसमें रोग कम आने देता है। जी। और जो है गर्मी से बचाता है। गर्मी से बचा हुआ। हाँ। यो एक सब फर्टिलाइजरों का पंजा है। जी। इसने जिसपे अपना उसके सर पर हाथ धर दिया वो पूरा कार्य करता है। वही पूरा कार्य करेगा। हाँ जी। तो इसलिए जो है पोटास भी लगाना चाहिए। जी। अब जो है फास्फोरस जो है वो जड़ों का विकास करता है, बिगर फास्फोरस के जड़ों का विकास नहीं होने का। जी जी जी। अब जो है तो फास्फोरस कायम मिलेगा आपको? फास्फोरस 18-40-12-32-16 DAP जो आ रहा है आजकल, ये इनके अंदर आता है। जी जी। तो आप जो है कोई सा भी लगा लो, 12-32 लगा लो या 18-40 लगा लो या DAP डाल दो। 18-40 को DAP बोलते हैं। ठीक है ना, 18% में नाइट्रोजन हो जी जी, और 40% उसमें वो। तो ये है कि बुआई में भी आपको पोटास और DAP का यूज इसमें करना चाहिए। हाँ, मैंने इसमें बुआई में 10 किलो डाला DAP। हाँ जी। 18-40। हाँ जी। और 8 किलो बीघे का मैंने इसमें पोटास लगाया। ठीक है जी। और इसमें 2-3 किलो बीघे का यूरिया लगाया। अच्छा, 2-3 किलो। हाँ, उसके बाद में फिर मैंने इसमें अभी पहले पानी पे जी, जब इसका अब जो हो गया 35-40 दिन का। हाँ जी। तो मैंने इसमें पहले पानी पे ड्रम के द्वारा जी, मैंने स्वम के द्वारा नहीं, ड्रम से, ड्रम के द्वारा जी जी 10 किलो 5 बीघे में यूरिया लगाया। अच्छा, तो ड्रम का क्या तरीका जी? ड्रम का तरीका मैं 12 ड्रम रखा। अच्छा अच्छा, वो वहाँ दिखा देंगे, आप वहाँ चल के देखना उसे। जी जी जी। कि वो ड्रम क्या कार्य करता है जी, और मैं जिससे यूरिया लिंचिंग ना हो, वाष्पीकरण तो होने का ही नहीं यूरिया का, क्योंकि जब वो वाटर में मिल गया, बिल्कुल ड्रम में मिल गया। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ लिंचिंग हो सके। जी जी। अब लिंचिंग में स्पेलेडर से या चिपकू से जी जी उसे रोकूंगा। हाँ बिल्कुल। अब उसे मैं उसमें ड्रम में 100 ml डाल दूंगा। अच्छा अच्छा, 10,000 लीटर में ट्रंच विधि में। हाँ जी। गन्ना जी
5-6 बीघे का पानी की पूर्ति हो जाती है। अच्छा 10,000 लीटर। जी जी जी। और 10,000 लीटर में 200 लीटर पानी, 10 किलो उसमें यूरिया भी चल रहा है। हाँ जी, और जो उसमें फिर मैंने स्प्रेडर लगा रखा तो वो उसे लिंचिंग नहीं होने देने का। अच्छा अच्छा ठीक है। उसे यूरिया को हाँ जी, हाँ जी। मैंने ये लगाया इसमें जी, जी, जी। अभी मैंने इसमें हाथ से कोई चीज नहीं लगाई। अच्छा हाँ ठीक ठीक। अभी मैंने इसमें हाथ से बुआई में डाला। आपने बुआई में डाला फिर उसके बाद में। अच्छा ब्याँत ब्याँत के लिए कुछ नहीं डाला? कुछ नहीं डाला मैंने जी जी। ब्याँत तो ऑटोमेटिक होगा इसका। अच्छा अच्छा हाँ जी जी। बिकर फास्फोरस के ब्याँत ही होने का जी। दुनिया में कोई ऐसा केमिकल नहीं जो ब्याँत करवा दे जी जी जी। तो जड़ों का विकास जब होगा तो ऑटोमेटिक ही ब्याँत होगा। ऑटोमेटिक ब्याँत वो केमिकल जो है वो फास्फोरस है जी जी जी। हाँ और फास्फोरस को हमें जड़ों के पास ही डालना चाहिए। हाँ जी। कुछ किसान भाई मेरे ये काम करते हैं जी। कि गन्ना बो दिया हाँ जी, मट्टी से ढक दिया हाँ जी, पानी दे दिया, उसके बाद में जब वो फास्फोरस डालते हैं हाँ, उसका तो फास्फोरस चलाएवान नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल स्थिर रहेगा एक जगह एक जगह। और बिगर पानी के घुलेगा नहीं जी जी जी। और पानी से घुल भी गया तो मक्का वही रहेगा, जड़ों के पास नहीं जानेगा। जड़ मेरी तड़े पार पर ऊपर पड़ा। हाँ, बिल्कुल जागा नहीं वो जागा नहीं। उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। 1,350 रुपए के कट्टे का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। पेटी में घेर दे लो बाग तो कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। किसान भाइयों को सोच समझ होनी चाहिए कि कोई चीज कहाँ डालनी चाहिए, कोई चीज कहाँ डालनी चाहिए जी जी। तो भाई केवल नाइट्रोजन ही पेटी में डलता है और नाइट्रोजन ही चलता है जी जी। हाँ ये देखो भाइयों, ताऊ जी ने पत्ती किस तरीके से बिना आरएमडी के खेत है, कोई कृषि यंत्र नहीं है। जो किसान बहाना मार रहे ना कि इसमें तो सहले सारी सोन चाहिए और फलाना चाहिए ढिगड़ा चाहिए, ये देख लो शानदार तो ट्रेलिंग है। ये गन्ना पेटी आ गई और इसमें भाइयों ये लेयर देखो पत्ती की कितनी जबरदस्त है। ये देखो सारा ये खाद में ही आपके खेत में रहने वाला है, नीचे नमी बरकरार रहेगी, खरपतवार नहीं होने का और बहुत अच्छी तरीके से है गन्ना पेटी का प्रबंधन बिना आरएमडी के। बलकटी के द्वारा गहरी कटाई कर रखी भाजी एक डायरेक्ट एक एक जोर से कोई पोगा उगा नहीं। हाँ जी, जी। और यो खेत तो मेरा जी जब मिल बंद होया उससे 3 दिन पहले कटा। हाँ लेट आ जाओ आगे दिखाऊंगा जो करीबन कोई मार्च में फरवरी में कटे हुए हैं उन्हें आ जाओ उन्हें देखना। बिल्कुल बिल्कुल आओ।